नंबर थ्री देखिए, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, तो बना लेते हैं सबसे पहले रोम्बस ए बी सी डी हमारे पास ये कुछ इस तरीके से, करेक्ट। सो ए बी सी डी ये एक रोम्बस है हमारे पास। देखिए रोम्बस के ऑल द साइड्स आर इक्वल और रोम्बस के डायगनल क्या करते हैं, राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा, डायगनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, करेक्ट। तो ये एक रोम्बस है हमारे पास, इसमें हमको दिया हुआ है सच दैट एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 40 डिग्री। सो मेरे ख्याल से हमको ए सी को ज्वाइन करना पड़ेगा, तो ए सी बी तो ये वाला एंगल आपका कितना है 40 डिग्री है, ध्यान रखिएगा, ठीक। और पूछा क्या है, देन द एंगल ए डी बी, सो एंगल ए डी बी यानी कि आपको बी को डी से ज्वाइन करना पड़ेगा, एंगल ए डी बी ये वाला एंगल आपसे यहां पर पूछा हुआ है, करेक्ट। एंगल ए डी बी आपसे पूछा हुआ है, ए डी बी। नाउ स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान दें तो देखो ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ये सुनो ए बी इज पैरेलल टू डी सी, क्यों सर, क्योंकि रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है, रोम्बस क्या होता है पैरेललोग्राम ही तो होता है, ठीक। तो रोम्बस अगर पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, तो ए बी इज पैरेलल टू डी सी हो गया। और ए सी को देखो, ए सी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये देखिए ए बी इज पैरेलल टू व्हाट, ये देखिए ये ए बी इज पैरेलल टू सी डी है और ए सी एक ट्रांसवर्सल लाइन है। सो अगर ये वाला एंगल 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री, या फिर हम बोल सकते हैं इन अनदर वर्ड, क्योंकि यहाँ पे बच्चों ये वाला 40 दिया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ पे हमको कुछ और कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, क्या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का ही लगाना पड़ेगा, बट ए डी इज पैरेलल टू बी सी लगाना पड़ेगा, करेक्ट। ए डी इज पैरेलल टू व्हाट, बी सी, क्यों, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, ओके, और रोम्बस क्या है पैरेललोग्राम है, तो ए डी इज पैरेलल टू बी सी, करेक्ट। तो ए डी इज पैरेलल टू बी सी, सो दिस इज ए डी लाइक दिस एंड दिस इज बी सी, ठीक। तो ए डी और बी सी आपस में पैरेलल है, तो यहां पे आप देख सकते हो ए सी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, सो ए सी एक क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है। सो ये वाला जो एंगल है अगर 40 डिग्री है, सो ये वाला एंगल भी कितना होगा 40 डिग्री, करेक्ट। तो ये अगर 40 है तो यहां से ये भी कितना आ गया 40 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, करेक्ट। सो हम बोल सकते हैं कि एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी जितना है उतना ही एंगल सी ए डी होगा, उतना ही एंगल सी ए डी होगा, तो सी ए डी भी कितना आ जाएगा 40 डिग्री, और रीजन क्या है ऑल्टरनेट इंटीरियर, शॉर्ट में लिख दिया मैंने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ओके। नाउ स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, आपको ये वाला एंगल चाहिए, तो अगर आपको ये वाला एंगल मिल जाए तो ट्राइंगल ए, और इस पॉइंट का नाम ओ रखो, ट्राइंगल ए ओ डी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देना। बट ये वाला एंगल कैसे मिलेगा, हमें पता है क्या, डायगनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, यानी कि बच्चों डायगनल ए सी और डायगनल बी डी एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, कहां पे पॉइंट ओ पे, और कैसे बाइसेक्ट करेंगे एट राइट एंगल, यानी कि ये एंगल 90, ठीक है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, इन सब का काम है नहीं हमें, सो ये वाला एंगल 90, तो हम बोलेंगे एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री, और यहां रीजन आप क्या लिखोगे, स्टार लगा दे रहा हूं मैं, ये स्टार लगा, ये वाला रीजन डायगनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, बस आप लास्ट में कुछ नहीं करना है आपको, फाइनली ट्राइंगल ए ओ डी में, इन ट्राइंगल ए ओ डी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ये वाला देखिए एंगल कितना है 40 डिग्री है, और प्लस ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री है, ठीक, और प्लस ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, यानी कि एंगल ए डी ओ आपको निकालना है, सो एंगल ए डी ओ आपको निकालना है, ठीक है। सो तीनों का सम कितना हो जाएगा 40 प्लस 90 प्लस एंगल ए डी ओ इज इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, 90 प्लस 40 कितना हो गया 130, 130 राइट में जाएगा, तो 180 माइनस 130 कितना हो जाएगा, 180 माइनस 130 कितना हो जाएगा 50, सो एंगल ए डी ओ कितना आ गया आपके पास 50 डिग्री, करेक्ट। सो अब आप ध्यान से चेक कर लो बच्चों, जितना एंगल ए डी ओ है ए डी ओ उतना ही एंगल ए डी बी है, हेंस एंगल ए डी बी इज ऑल्सो 50 डिग्री, क्या ऑप्शन में कहीं पे दिया हुआ है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके नोट कर लीजिए।